हाँ जी बेटो, बच्चों लास्ट टाइम हमने शुरू किया था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था भी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है और कौन से फार्मूलाज आपने याद रखने। उसमें से बेसिक 7 फार्मूलाज आपको मैंने बताए थे भी, लैपलेस ऑफ 1 क्या होती है, लैपलेस ऑफ टी क्या है, लैपलेस ऑफ ई क्या है, लैपलेस ऑफ साइन, लैपलेस ऑफ कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक। और मैंने आपको बताया था भी देयर आर ओनली 6 फंक्शन विच वी यूज इन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। वन इज ई, सेकेंड वन इज टी, फिर थर्ड वन इज साइन, फोर्थ वन इज कॉस, देन साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है जी, आपने इन 6 फार्मूलाज की ही लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। इसके अलावा आपको कोई फार्मूला नहीं आएगा, ना ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है जी, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के ही रेलिवेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग के फार्मूलाज करवाए थे भी। देयर आर 5 फार्मूलाज अंडर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन बाय ई व्हेन वी मल्टीप्लाई एफ टी विद ई। और उसके बेस पर आपको बताया था भी एक टी के साथ अगर ई मल्टीप्लाई हो तो क्या फार्मूला होता है, साइन के साथ ई मल्टीप्लाई हो या कॉस के साथ ई मल्टीप्लाई हो, और ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के साथ अगर ई मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग को फॉलो करके जो है रिजल्ट लिखने हैं। और इनके बेस पर आपको कुछ फार्मूला क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे भी थे साथ में भी, आप चलो डिस्कस कर लेना। अब मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाना है भी, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट एप्लीकेबल ना हो, जैसे आपने लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन किए हमने वहाँ पर फार्मूला की एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट लैपलेस के ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो किए भी, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन था उसकी एडजस्टमेंट ऐसे की भी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो हो जाए। मगर आज मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाना है जिसमें आपको डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगी, तो फिर हम जो दूसरी साइड है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने आपको वो लास्ट टाइम बोला था भी इंटीग्रेशन को ईजी करने के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बनी है भी, जिन फंक्शंस की आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, वही फाइंड द इंटेग्रल ऑफ डेट फंक्शंस। और इसी तरह अब आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो फिर हम उनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो राइट ऑन फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी आवाज आ रही ना सभी को? आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर, ऑफ एफ टी इक्वल टू यस सर, टी अपॉन टी, 0 लेस देन टी, लेस देन टी, 1, टी ग्रेटर देन टी। अब अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें आपका जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन हो, डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन मैंने आपको फोरियर सीरीज में बताया थी भी, अगर फंक्शन को ब्रेक करके दिया हो उसमें ब्रेकअप आ जाए तो हम उसको डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन बोल देते हैं। अगर आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो तो आप कभी भी डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो अगर आपने इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको इसकी डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी जो इंटीग्रेशन फॉर्म में है। तो आपने लिखना है बाय डेफिनेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डीटी। जब भी किसी भी फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है वो इस फॉर्म में आएगी। सो दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें आपके फंक्शन में दो ब्रेक है, एक 0 से टी है और एक टी से इन्फिनिटी है। तो आप यहां पर फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, 0 से टी ई रेज पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी एंड टी से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। यहां पर आ गया आपके पास 0 टू टी ई रेज पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू है यहां पर टी अपॉन टी, प्लस यहां पर आ गया टी टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी, यहां पर वैल्यू है 1। ठीक है जी, अब यहां पर आपने इंटीग्रेशन करनी है। यहां पर आप देखें आपके पास दो फंक्शन है, एक ई रे पर माइनस एस टी, एक टी अपॉन टी है। और जैसे मैंने आपको फोरियर सीरीज में समझाया था भी आपने कैसे इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पर हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो चेन रूल को फॉलो करते हैं।
कभी भी आपने प्लस टू के बेस पर इंटीग्रेशन नहीं करनी, चेन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी ई टी अपॉन टी इज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशियल दैट इज वन अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेम एज जैसे हमने फोरियर में किया था, और नीचे माइनस एस इंटू माइनस एस एस स्क्वायर हो जाएगा जो गया जीरो टू टी, फिर प्लस ई रेज पर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन ई रेज पर माइनस एस टी एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ पावर नीचे नीचे आ जाएगा माइनस एस। ठीक है जी, सो पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको। देयरफॉर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस एस बाहर आ जाएगा जहां पर बन जाएगा माइनस एस टी इंटू ई रेज पर माइनस एस टी माइनस वन अपॉन टी एस स्क्वेयर ई रेज पर माइनस एस टी। ठीक है, जीरो टू टी प्लस इधर लिमिट फिल कर देते हैं, ई रेज पर माइनस इंटी जीरो एंड माइनस ई रेज पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नजर आ रहा है ना आपको? यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा यार दोबारा से, ई रे पर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, अब नजर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, पहले अपर लिमिट फिल करेंगे, दिस इज माइनस टी अपॉन एस टी ई रे पर माइनस एस टी माइनस ई रे पर माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वेयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जीरो फिल करने पर जीरो एंड माइनस वन अपॉन टी एस स्क्वेयर, ई पावर जीरो इज वन एंड माइनस माइनस प्लस ई रे पर माइनस एस टी अपॉन एस। सिंप्लीफाई कर लें इसको, टी से टी कैंसिल, दिस इज माइनस एस ई रे पर माइनस एस टी माइनस ई रेज पर माइनस एस टी ओवर टी एस स्क्वेयर प्लस वन ओवर टी एस स्क्वेयर प्लस ई रेज पर माइनस एस टी ओवर एस, ये कैंसिल हो गया आपस में एंड इन लास्ट लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू टी एस स्क्वेयर वन माइनस ई रेज पर माइनस एस। ठीक है जी, तो अगर आप डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपका फंक्शन ऐसा है भी उसमें ब्रेक है या आपको लगता है भी आप डायरेक्ट लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, तो आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय डेफिनेशन। अब इस टॉपिक को मैंने इंटीग्रेशन से किया है, इसमें लैपलेस हमने यूज नहीं की कहीं भी, लैपलेस की सिर्फ डेफिनेशन यूज करके हमने इंटीग्रेशन के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आपको दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करें, अगर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इंटीग्रेशन से इनको डिस्कस करें। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है जी, जिसमें ब्रेक है आप उनको इंटीग्रेशन के बेस पर डिस्कस करना। नोट हो गया सभी स्टूडेंट्स का? यस सर। बेटा नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। बाकी भी बोल दिया करो भाई सभी, यस सर, पता चल जाए अभी कितने बच्चे बैठे हुए हैं। यस सर। बाकी इन बच्चों ने ऑन करके ही छोड़ा हुआ है इसको, मर्जी आपकी है। ज्यादा चांसेस हैं इस बार ऑफलाइन पेपर होने के,
तो ऑफलाइन पेपर में आपको पता है जैसे पहले पेपर आते हैं, अगर पढ़ना ना शुरू किया तो मुश्किल हो जाएगी आप सभी को, ठीक है जी। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अभी तक जो आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ा है इसमें आपको बेसिक फार्मूलाज आएंगे, आपको बेसिक फार्मूलाज आएंगे और इनके बेस पर जो आपने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो, फिर आवाज नहीं आती यार, जो क्वेश्चन करने हैं वो मैंने आपको बताए कैसे, और क्वेश्चंस मैं आपको भेज भी दूंगा। अब आगे है इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आज हमने इनको डिस्कस कर लेना है, फोर प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आपके टॉपिक में, तो लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव को हम वहां पर यूज करते हैं। आपने प्लस टू में पढ़ी है सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx, इसके बाद मैथ टू में आपने पढ़ी है, जब हम ऑफलाइन क्लास लगा रहे थे कॉलेज में आप आते थे, मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था शुरू, सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो उसमें क्या था, अभी हम cf और pf निकालते, cf और pi निकालते थे, उसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है तो आप प्लस टू के बेस पर भी उसको डिस्कस कर सकते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy upon dx equal to something, then you have formulas like separation of variable, direct integration, homogeneous form or otherwise put x plus y equal to t, then solve that equation. और अगर आपके पास ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं होते प्लस टू वाले, तो हमारे पास फिर है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती, उसमें नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास रूल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट रूल्स आप उनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको एक और टॉपिक करवाया था, अभी अगर dy upon dx पर पावर आ जाए तो हम उसको सॉल्व फॉर पी एक्स वाई कर सकते हैं। अगर एक और टॉपिक करवाया था आपको भी, अगर सॉल्व फॉर पी एक्स वाई ना हो तो आप उसको क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प के साथ कर सकते हैं। मगर अगर इक्वेशन का ऑर्डर इंक्रीज हो जाए, सेकंड ऑर्डर आ जाए, थर्ड ऑर्डर आ जाए, तो फिर आपके पास एक तो कंसेप्ट है भी आप मैथमेटिक्स टू के बेस पर जो कंसेप्ट था सी एफ निकाल लो, पी आई निकाल लो, उसके बेस पर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो आप विद द हेल्प ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन भी आप उन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग बात है, अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर यहाँ पर आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा भी आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कहता है भी इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर एन, सॉरी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी, अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव निकाल दूं तो दिस इज एस एस एफ, इसका प्रूफ देख लें, अदरवाइज बाकी प्रूफ तो नहीं हमने कर रहे, ना ही आपको प्रूफ आने, मगर इसका प्रूफ आप देखें, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। बाय डेफिनेशन लैपलेस ऑफ एफ ऑफ डैश टी दिस इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू एफ डैश टी डी टी। अब मुझे एफ डैश की यहाँ पर चाहिए एफ टी, क्योंकि मैंने फार्मूला लेके आना एफ एस, एफ एस किसके इक्वल होता है, एफ एस इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है जी। और यहां पर है एफ डैश टी, मैंने एफ एस लेके आना तो मुझे एफ टी चाहिए, यहां पर है डेरिवेटिव, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आपको पता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज रखते हैं, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, मगर यहां पर मैं इंटीग्रेशन किसकी करूंगा, एफ डैश टी की, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वर्स हो जाते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास एफ टी आ जाएगा। तो ई रेज पर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ ऑफ टी, फिर माइनस
ये प्लस टू के बेस पर हम इंटीग्रेशन करें जीरो से इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उसकी डिफरेंशिएशन माइनस एस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी। जब हम लिमिट फिल करेंगे ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, जीरो फिल करेंगे ई पावर जीरो इज वन एफ ऑफ जीरो माइनस बाहर जीरो से इन्फिनिटी ई रे पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस एफ एस। देयरफोर लैपलेस ऑफ एफ डैश टी दिस इज एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है जी, क्लियर है आर्टिकल? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? सिंपल, आपने इंटीग्रेशन करनी है, इसलिए मैंने फोर ईयर सीरीज आपको पहले डिस्कस करवाई थी भी, आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये इंटीग्रेशन हम फोर ईयर सीरीज कह लो या प्लस टू के बेस पर जैसे हम फॉलो करते हैं भी, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड की इंटीग्रेशन। यहाँ पर मैंने प्लस टू को फॉलो किया तो उसके बेस पर मैंने ये रिजल्ट ड्राइव किया। इसको नोट कर लें, फिर मुझे बताएं, नोट करके भी आपने नोट कर लिया, फिर मैं आगे फर्दर डिस्कस करूं। सर इसका प्रूफ पेपर में पूछ सकते हैं? इसका प्रूफ आपको 2 मार्क्स में पेपर में आ सकता है। इसके अलावा मैंने 3 और प्रॉपर्टीज करवानी है आपको, उनके प्रूफ नहीं आएंगे, मगर इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लें। यस सर, सो 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, करो करो नोट। इसके बाद इसकी जनरलाइजेशन देखें। जनरलाइजेशन का मतलब होता है इसका आगे फर्दर क्या होगा। सुनो, अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है तो आपके पास एक एस की पावर है, जो फार्मूला यहां पर आप देख सकते हैं भी, अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है तो यहां पर एस एफ एस है और साथ में लिखना था माइनस एफ जीरो, वो मैंने लिखा नहीं, नोट कर लेना, स्टार्टिंग में यहां पर मिस हो गया था, एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 डेरिवेटिव होंगे यहां पर क्या आएगा बताएंगे, बता सकते हैं आप? यहां पर एक डेरिवेटिव है आपके पास एफ डैश टी, तो यहां पर एस की पावर 1 है और साथ में एफ जीरो, डबल डेरिवेटिव तो क्या आएगा यहां पर एस स्क्वेयर एफ एस। ठीक है जी, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, एफ जीरो, एक एस की पावर कम कर दें माइनस एस एफ एस। ठीक है जी, अब इसके बाद एक और टर्म आएगी, वो आपने लिखनी है एफ डैश जीरो। याद कैसे रखना है, अगर यहाँ पर 2 डेरिवेटिव है तो लास्ट में एक डेरिवेटिव होगा, अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है तो लास्ट में नो डेरिवेटिव। ऐसे अगर मैंने थर्ड ऑर्डर को लिखना हो तो क्या लिखूंगा, एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो, देन माइनस एस एफ डैश जीरो, और एक टर्म और आ जाएगी एफ डबल डैश जीरो। आप फार्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपके पास एक डेरिवेटिव है तो आपके पास 2 टर्म्स होंगी, अगर आपके पास 2 डेरिवेटिव है तो आपके पास 3 टर्म्स होंगी, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके पास 4 टर्म्स होंगी। जितना ऑर्डर डेरिवेटिव है उससे एक ज्यादा टर्म राइट साइड में होती है। आप किसी भी तरह से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं अभी, क्योंकि एप्लीकेशन आपने नहीं करनी, चलो इतनी जरूरत नहीं है, मगर थर्ड ऑर्डर तक याद रखना, थर्ड ऑर्डर तक आपको क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लें। तो एक इसके बाद मैं पोल सेंड करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, जल्दी जल्दी नोट कर लें। नोट करके मुझे बता दें भी आपने नोट कर लिया, तो इसके बाद हम पोल डिस्कस करते हैं, पोल डिस्कस करते हैं, अभी आपने नोट कर लिया है तो पोल दे रहा हूँ आप। हाँ जी, योर क्वेश्चन इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन चेंज इज डोमेन टू एस डोमेन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन चेंजेस इज डोमेन टू एस डोमेन,
आई गॉट टू आंसर, गलत आंसर तो आपकी क्लास ने देना ही देना, बड़ी जल्दी सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा एक मिनट होल्ड करना, बस एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी दसो जी सर, अगर हमारा पेपर एमसीक्यू में हुआ तो सर क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए। हाँ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑप्शंस के साथ सर, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आती हैं, वो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, पढ़ना पड़ेगा। अभी 40 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं आपने। यस सर, वो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। हाँ डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें सर। वो कहाँ से पढ़े जी सर, वो कहाँ से पढ़ना है? ठीक है जी, तो आपने यहाँ तक कर लिया डिस्कस इसको। अगर अब आप इसकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो वो आपके पास फिर आएगा। हाँ जी, तो इनकी डिफरेंशियल करें, दिस इज टी कॉस की डिफरेंशियल की, डेट इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और प्लस दिस वन। एक मिनट एक मिनट, तो दिस इज ये होगी इसकी ओमेगा, फिर प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू वन एंड प्लस साइन की होगी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दिस इज टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेने, इसके बाद आपने फार्मूला फॉलो करना है बाय लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव लैपलेस ऑफ एफ डैश टी, this is equal to SFS minus f of 0। therefore laplace of sin omega t plus omega t cos omega t this is equal to s, fs ki value aapke paas hai 2 omega s upon एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, और साथ में एफ ऑफ जीरो आपके पास एफ टी क्या है, दिस वन, इसमें टी को जीरो भरो, टी को जीरो फिल करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। सो दिस इज टू ओमेगा एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गई फर्स्ट वैल्यू। अब हम सेकेंड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नाउ Laplace of f double dash t, this is equal to s square fs
माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो. तो दिस साइड इज टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी साइन ओमेगा टी. दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस. योर एफ एस इज टू ओमेगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो 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 एंड एफ डैश. दिस इज योर एफ डैश टी. अगर आप इसमें टी को जीरो फिल करें तो टी जीरो इज जीरो साइन जीरो इज जीरो. दिस इज अगेन जीरो. सो वी लेफ्ट विद टू ओमेगा एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर. तो ऐसे आपने इनको डिस्कस करना है. बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं. बस आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए भी आपने किस फार्मूले के साथ इसको डिस्कस करना है. नोट कर लिया सभी ने? यस सर. बाकी भी बोल दिया करो यस सर. बाकी अभी खाना खा रहे हैं. Yes, खाना खाते हो आप yes, सारा दिन yes, 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 बस yes, आप जैसा yes, नहीं कहते कभी. चलो नेक्स्ट फार्मूला लिखें फिर. योर सेकंड प्रॉपर्टी इज लैपलेस ऑफ डिवीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि फाइनल में जब भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैपलेस ऑफ डिवीजन में से क्वेश्चन होता है उसका. मोस्ट ऑफ द टाइम लैपलेस ऑफ डिवीजन का क्वेश्चन होता है. और ये कहता है भी इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी. अगर आप एफ टी को टी से डिवाइड कर दें तो इसकी जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो होगी इंटीग्रेशन एस टू इनफिनिटी एफ एस डी एस. ठीक है जी. जब भी आप एफ टी को टी के साथ डिवाइड करेंगे तो उसकी लैपलेस क्या होगी? जो आपकी एफ एस है उसकी इंटीग्रेशन एस टू इनफिनिटी. अब इसके बेस पर आप एग्जांपल देखें. फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसके घर क्या हो गया? म्यूट कर लो अपने आप को. तो जी दो क्वेश्चन देखें, बाकी रेस्ट क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा सॉल्व करने के लिए. आपने करने कंसेप्ट सभी का सेम है. मैंने आपको बार बार बोला है भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही फंक्शन है. ई साइन कॉस साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आना. इनकी ही आपस में मल्टीप्लिकेशन आनी है, इनकी ही आपस में आपको डिवीजन आनी है. तो इसलिए कभी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इनको आप प्रिपेयर करें प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत ईजी लगेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है अपना लैपलेस ऑफ ई रेज पर ए टी माइनस बी टी. दिस इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ ई रेज पर ए टी माइनस लैपलेस ऑफ कॉस बी टी बिकॉज ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी. साथ साथ में आपने प्रॉपर्टी लिखनी है जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं. नाउ लैपलेस ऑफ ई क्या होती है अभी बताएं जल्दी जल्दी. लैपलेस ऑफ ई एक्सपोनेंशियल. वो एक्सपोनेंशियल नहीं, इसकी लैपलेस बोले मैं. ई का मतलब थोड़ी पूछा आपको मैंने, लैपलेस पूछी है. दिस इज वन अपॉन एस माइनस ई माइनस कॉस की लैपलेस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिव इट एस एस. Therefore, by division rule, Laplace of e raised power at minus cos bt over t. नजर नहीं आ रहा आपको है ना, नीचे चला गया. दोबारा से लिखता हूं इसको.
therefore by division rule Laplace of e raised power at minus bt over t, this is equal to s to infinity integration of fs ds. So this is equal to s to infinity 1 upon s minus a minus s upon s square plus b square ds. अब आपने करनी है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए. वन अपॉन एस माइनस ए की इंटीग्रेशन क्या होगी बताएंगे? वन अपॉन एस माइनस ए की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ एस माइनस ए. बिल्कुल सही, लॉग ऑफ एस माइनस ए. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? सर टैन इनवर्स. ना जी ना, टैन इनवर्स नहीं. टैन इनवर्स में ऊपर कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पर ऊपर वेरिएबल है. अगर आपके पास 1 / 2 करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला है. अगर आपके पास ऊपर वेरिएबल हो ना, नीचे जो फंक्शन उसकी जो पूरी डिफरेंशियल बनती हो, जहां बन सकती हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड करें, तो दिस इज 1/2 log of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक है जी, इसको फॉलो करेंगे यहां पर. तो इसकी तो इंटीग्रेशन है बट दूसरी इंटीग्रेशन नहीं है. तो आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड करें. यहां पर आपको तीन क्वेश्चन आने, या तो साइन का क्वेश्चन होगा, या कॉस का होगा, या एक्सपोनेंशियल होगा. तो यहां पर इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, आपको साथ साथ में हिंट भी देता हूं. हिंट ये है भी, यहां पर इंटीग्रेशन जो बनेगी, या तो बनेगी लॉग की, या बनेगी टेन इनवर्स की. याद रखें, या तो टेन लॉग की इंटीग्रेशन बनेगी, या टेन इनवर्स की. टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन तभी होगी अगर क्वेश्चन में साइन होगा. अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट है, या एक्सपोनेंशियल है, या कॉस है, ठीक है जी, तो जो इंटीग्रेशन है वो लॉग की बनेगी. ये हिंट है आपको. या तो इंटीग्रेशन आनी है लॉग की, या इंटीग्रेशन आनी है टेन इनवर्स की. टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन तभी बनती है अगर क्वेश्चन में आपको साइन गिवन हो. यस सर, साइन के अलावा कुछ भी गिवन है तो इंटीग्रेशन लॉग की होगी. यहां पर इंटीग्रेशन आ गई लॉग ऑफ एस माइनस ए 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिमिट इज एस टू इनफिनिटी. अब मुझे बताएं भी, आप लिमिट फिल कर सकते हैं? आप लिमिट फिल कर सकते हो कि नहीं? आप लिमिट फिल कर सकते हैं कि नहीं बताएं? आप, हाँ, आप लिमिट नहीं फिल कर सकते क्योंकि लॉग ऑफ इनफिनिटी नॉट डिफाइन. यस सर, डिफाइन नहीं होता. यस सर, तो आपने लॉग को किसी तरह से ब्रेक करना है. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/2 को बाहर ले आओ. दिस इज 2 लॉग एस माइनस ई माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू इनफिनिटी. आपने अब लॉग के रिजल्ट फॉलो करने. आप सभी को पता है भी लॉग के आगे कोई टर्म लगी हो तो वो पावर में चली जाती है. यस yes, सर. और आपको पता है लॉग एम माइनस एन लॉग एम अपॉन एन. यस सर. आपने इस टर्म को यहां पर फॉलो कर लेना है. इसके बाद अब मैंने इन्फिनिटी को ब्रेक करना है. आप सभी को पता होगा इन्फिनिटी तब ब्रेक होती है अगर 1/∞ हो. 1/∞ जीरो. तो आपने किसी तरह से 1/s लेके आना है. यस सर. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ सर, ऊपर वाले को पहले खोलना है, मैं ऊपर से ऐसा निकाल लेता हूं बाहर, वो आ जाएगा s स्क्वायर अंदर बजा 1 - a / s² नीचे से भी s बाहर ले आता हूं, वहां पर आ गया s स्क्वायर 1 + b² / s² यस सर. s टू इनफिनिटी, s स्क्वायर कैंसिल. ठीक है जी, s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल. अब आप लिमिट फिल कर सकते हैं. स्टार्टिंग नोड है आपकी सर, फर्स्ट लाइन नोट कर ली सभी ने? यस सर. इधर कर देता हूं सॉल्व. अगर नहीं नोट की तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं. इधर मेरे पास जगह है. देयरफॉर लैपलेस ऑफ e रेज़ पावर at
माइनस कॉस बी टी ओवर टी, दिस इज इक्वल टू 1/2. अगर आप इन्फिनिटी पर फिल करेंगे, a by infinity is 0, b by infinity is 0. Log 1 आ गया. You left with log 1. 0. और अगर आप s फिल करते हैं, तो आपके पास सेम टर्म आ जाएगी. 1 minus a upon s square upon 1 plus b square over s square. एक बार आपने इन्फिनिटी फिल करना है और आपने एक बार s को फिल करना है. जब आप s फिल करेंगे, सेम टर्म आ जाएगी. आप सभी को पता है log 1 0 होता है. Yes, sir. आप वापस यहाँ पर एलसीएम लेंगे. जब आप यहाँ पर वापस एलसीएम लेंगे, आपके पास वही टर्म आ जाएगी जो आपके पास पहले थी. Yes, sir. ठीक है जी. और आप सभी को पता है अगर लॉग के आगे माइनस लगाओ तो क्या करते हैं हम. अगर लॉग के आगे माइनस लगाओ और वो माइनस हमने प्लस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं टर्म को रिवर्स कर देते हैं. सर log of s square plus b square upon s minus a. यस सर. स्क्वायर. दिस इज योर फाइनल आंसर. सर ये तो इजी है. वो इजी है बेटा, इजी है. अगर पढ़ोगे इजी है. जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी है, और जिन बच्चों ने सिर्फ क्लास ऑन की हुई है, ठीक है जी, बैठ के अपना खाना पानी पी रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं साथ साथ में, साथ में कुछ स्टूडेंट के बारे में मुझे पता चला वो साथ में पबजी खेलते होते हैं, तो उन बच्चों का तो हो गया. वो सप्ली लेके आएंगे. पहले मैथ्स वन में आ गई. कोरोना जी, कोरोना बाबा जी की मेहर होगी. मैं यही बोलूँगा आपको भी, आपका एम टू क्लियर होगा. कुछ बच्चों की तो सप्ली आ जानी थी, मगर फिर भी चलो एम टू क्लियर हो गया. ठीक है जी. और अब एम थ्री है. इस बार बाबा जी की मेहर नहीं रहेगी आप पर, आपको ऑफलाइन पेपर देने होंगे. तो जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, नहीं तो दूसरा बच्चा तो मुश्किल में आ जाएगा. चलो, इस नोट हो गया सभी का. मैं पोल सेंड करूंगा आपको एक. यस सर. सभी ने कर लिया नोट. चलो जी, पोल शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ. Laplace transformation exist when, इनके options हैं, option पढ़ो और right answer को option को click करो. लिया आपने सभी ने. अभी next question discussion करते हैं. एक और question है वहाँ पर मैंने लिखा हुआ था. बाकी जो rest of the question है वो मैं आपको send करूँगा. आपने घर पर बैठ कर उनकी practice करनी. कोई ज़्यादा difficult question है नहीं. मैंने आपको बार बार बोला है भी, जहाँ पर आपके पास जब आप integration में जाएंगे तो जहाँ तो log की integration होगी या फिर tan inverse की. अब सेकंड क्वेश्चन देखना. आपके पास था sin square t upon t. sin square t upon t is written as 1 minus cos 2 t upon 2 whole over t. This is 1/2 1 minus cos 2 t upon t. Give it number 1. Now, Laplace of 1 minus cos 2t, this is equal to Laplace of 1, Laplace of cos 2t. This is, example, itna because of linear property. Laplace of 1 is 1 upon s, log of cos is s upon s square plus angle square. Give it fs. Therefore, by division rule, Laplace of 1 minus cos 2t upon t, this is equal to s to infinity fs ds. This is equal to s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 4 ds. इसके आगे आपने खुद करना है, क्योंकि आगे सेम ही है. यहाँ पर log की इंटीग्रेशन बनती है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके फिर log की इंटीग्रेशन करेंगे. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम टू सेम आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्लियर है? आगे कर सकते हो? यस सर. हाँ, यस सर होना चाहिए था आंसर. बिल्कुल कर सकते हैं. आगे कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में. हाँ जी जी, नोट कर लें.
इसके बाद फिर आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। टाइम है इसको आज खत्म कर लेना है हमने, रह गई दो ही प्रॉपर्टी रह गई हैं आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने अब डिस्कस करना है। हो गया नोट सभी का जी? बेटा नोट कर लिया सभी ने? यस सर, यस सर। ओ जय सर कर दिया करो, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा। यस सर। फार्मूला समझ के चलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको। चलो नेक्स्ट लिखें, थर्ड प्रॉपर्टी लैपलेस ऑफ इंटेग्रल। ये कहता है भी अगर आपके पास लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन लैपलेस ऑफ, अगर आप एफ टी की इंटेग्रल कर देते हैं जीरो से टी, अगर आप एफ टी की इंटेग्रल करते हैं जीरो से टी, इंटेग्रल याद रखना मेन डेफिनेशन में इंटेग्रल है जीरो से इन्फिनिटी, डिवीजन वाले फार्मूले में इंटेग्रल है एस से इन्फिनिटी, और लैपलेस ऑफ इंटेग्रल में लिमिट है जीरो से टी। तो मिक्स ना कर देना इनको, दिस इज एफ एस अपॉन एस। बड़ा इजी है, जो आपकी एफ टी होगी ना उसकी आपने एफ एस लिख लेनी है, जो आपकी एफ टी है आप उसकी एफ एस लिख लें, और एक इंटेग्रल है तो एक एस से डिवाइड कर दे। अगर आपके पास सिमिलरली आपके पास टू इंटेग्रल्स हैं तो आप क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस एफ एस को एस एस स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास थ्री इंटेग्रल्स हैं एस क्यूब से डिवाइड कर देना, एस क्यूब से डिवाइड कर देना। यस सर। अभी आपके लिए तो लैपलेस बहुत इजी है, अभी जो दूसरे स्टूडेंट हैं चाहे वो कह लो भी मैकेनिकल वाले हैं या सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनको तो लैपलेस इनवर्स भी होती है जो कि लैपलेस से ज्यादा डिफिकल्ट होती है। लैपलेस में तो सीधे सीधे फार्मूले आने हैं आपको, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर इंटेग्रल है तो क्यूब आ जाएगा, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर इंटेग्रल है तो एस स्क्वायर आ जाएगा, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इंटेग्रल है तो एस आ जाएगा। जितना आपके पास इंटेग्रल है उतनी पावर से, उतनी एस की पावर से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, नोट कर लो फार्मूला, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूं। हो गया सर, कर लिया नोट? यस सर। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर, ठीक है। यस सर। यही क्लासरूम टीचिंग होती तो अच्छा होता, फिर आपसे पूछता है। अभी आपसे पूछने का मन करता है मगर ये होता है पता नहीं ऑनलाइन है नहीं है। सर कॉलेज को तो स्टार्ट होंगे? यस सर, क्लासरूम टीचिंग तो शुरू होएगी। नहीं सो अरदास करया करो भी, कोरोना दी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ। ਚਲੋ ਲਿਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਮੇਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੇ, ਫਾਈਂਡ लैपलेस ऑफ जीरो टू टी ई रेज पर माइनस टी साइन टी ओवर टी डी टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, इसको प्रिपेयर कर लेना। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें सिंपल रूल लगना है आपका, डिविजन रूल लगना है, फर्स्ट शिफ्टिंग लगनी है और इंटेग्रल रूल लगना है। चार रूल है यहाँ पर, यहां पर टी से आप डिवीजन लगाएंगे, ई से आप फर्स्ट शिफ्टिंग, और यहां से आप इंटेग्रल। ठीक है जी, तो बीच में एक्स्ट्रा कौन बैठा हुआ है? साइन। साइन के साथ कुछ नहीं है तो मैं इसकी जो स्टार्टिंग करूंगा वो साइन से करूंगा।
आपने कहना है लैपलेस ऑफ साइन टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन. देयरफॉर बाय डिवीजन रूल जिस बच्चे को रूल याद हो जाए, जिसको प्रोसीजर पता है कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है उसके लिए. तो यहां पर डिवीजन रूल क्या कहता है भी, आप एस टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन करेंगे जो आपके पास एफ एस है. यस सर. तो दिस इज एस टू इनफिनिटी वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन. ठीक है जी. तो यहां पर किसकी इंटीग्रेशन बनेगी अब आप? साइन इनवर्स की. हाँ जी हाँ जी. अभी ये क्वेश्चन साइन का था ना, तो यहाँ पर टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन आएगी. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स. Cot inverse x. यस सर. ठीक है, याद रखने cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये फार्मूला होता है. चलो जी, ये आ गई लैपलेस आपके पास sin t ओवर t की, ये बन गई cot इनवर्स s. ठीक है जी. अब यहां पर आप अप्लाई कर दें फर्स्ट शिफ्टिंग. By first shifting rule, s minus one हो जाएगा सर. बिल्कुल जी, बिल्कुल सही. e raised power minus one minus हो जाएगा. e raised power minus t है. Plus हो जाएगा. Plus हो जाएगा. s plus one हो जाएगा. s plus one. Yes sir. First shifting क्या कहती है? वो कहती है भी जो भी e की power है, वो आपने s में से plus minus कर देनी है. Yes sir. आया नजर के नहीं आया? नहीं आया नजर आपका सर? इसके सर इसके बाद ऊपर लिख दो सर. हाँ ऊपर लिख देता हूँ, या इसको रबी कर देता हूँ, यहाँ पर बच्चों को नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर ही लिख देता हूँ. लैपलेस ऑफ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ई रेज़ पर माइनस टी कॉस टी, ओ सॉरी साइन टी. This is sin t. Sin t upon t. This is equal to cot inverse s plus a. ठीक है जी. अब लास्ट रह गया इंटीग्रल रूल. Therefore, by integral rule, sir divided by s ही करना है अब तो. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही. T upon t dt. This is equal to cot inverse s plus 1 upon s over s. Answer. Yes. ठीक है जी, बड़े इजी क्वेश्चन है, रूल समझ के चलो, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता. क्वेश्चन कंप्लीट करें, इसके बाद एक पोल डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, और उसके साथ ही फिर आपका ये टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा. तो अभी पहले पोल डिस्कस कर लो आप एक, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी, दिस इज योर नेक्स्ट पोल. योर क्वेश्चन इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज पर माइनस टी इन टू साइन टू टी माइनस टू कॉस टू टी. द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज पर माइनस टी, दिस इज माइनस टी, ब्रैकेट में साइन टू टी माइनस टू कॉस टू टी. जिस बच्चे ने लैपलेस पढ़ी है उसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था, उसका आंसर तो विद इन, चलो आप एक्सपर्ट नहीं तो 10 सेकंड आ जाना चाहिए था. अभी हो गए हैं 41, 42, 43 सेकंड्स, यानी कि अभी आप डिस्कस करने जा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें जी, और इसके साथ ही फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. इसके बाद इसका सेकंड हाफ होता है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स नॉट योर इन योर सिलेबस. योर सिलेबस देयर इज ओनली लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस. हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखें, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी. अगर टी से मल्टीप्लाई हो तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं? इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस देन लैपलेस ऑफ टी पार एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन रेस पार एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ एस. अगर आपके पास टी मल्टीप्लाई हो तो हम डिफरेंशियल करते हैं जितनी टी की पावर है. अगर टी से मल्टीप्लाई है तो हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन रूल फॉलो करते हैं. अगर ई से मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट शिफ्टिंग. ठीक है जी, बस इनको आप एक पेपर पे लिख लो सभी फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज, फर्स्ट शिफ्टिंग और जो फोर फार्मूलाज आज करवाए हैं आपको, डेरिवेटिव, इंटेग्रल, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है जी, तो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी इजी और बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए. अब देखें इसका क्वेश्चन. फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इनटू कॉस टू टी. ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके. टी स्क्वायर कॉस टू टी की लैपलेस लिखनी है. आप क्या करें, पहले आप लैपलेस ऑफ कॉस टू टी लिख लें कितनी होती है. दिस इज एस एस स्क्वायर प्लस एंगल स्क्वायर. ठीक है जी, दिस योर एफ एस. और ऐसे ही देयरफॉर बाय डिवीजन रूल और सॉरी बाय मल्टीप्लीकेशन रूल, बाय मल्टीप्लीकेशन रूल लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर कॉस टू टी इज इक्वल टू माइनस वन रेज पावर टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एस. माइनस वन स्क्वायर इज प्लस वन. आप एक साथ दो डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करते, इसलिए इसको ब्रेक कर दो. एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर. इसके आगे आप कर लेंगे, खुद के करके दूंगा आपको डेरिवेटिव. सिंपल सी डेरिवेशन है आपके पास. सर यू बाय वी लगाऊंगा. यहाँ पर यू अपॉन वी लगाएंगे आप. यस सर. कर लेंगे क्या? कर दूं सर? कर लेंगे. बताएं कर लेंगे? यस सर. पूछा बोला था, सिंपल डिफरेंशिएशन है, यू अपॉन वी रूल लगाना है आपने. और मेरे ख्याल इजीली आप कर लोगे इसको डिस्कस. यस सर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पर मैं इसको रब करने जा रहा हूं. यहां पर कर लोगे ना कंटिन्यू इसको? यस सर. चलो लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखें. अवैल्यूएट 0 टू इनफिनिटी ई रेज पर माइनस टी टी स्क्वायर साइन टी डी टी. पिछला क्वेश्चन अगर नोट कर लिया है आपने तो मैं नेक्स्ट अभी करने जा रहा हूं डिस्कस इसको. आप मुझे एक बात बताएं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए लैपलेस में, उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताएंगे? सर ऐसा क्वेश्चन वो असाइनमेंट में भी था, मैंने इसलिए असाइनमेंट को रो दिया था अभी. चलो पहले मैं करवा ही दूं आपको, फिर आप डिस्कस कर लेना, असाइनमेंट बना लेना. चलो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, उन्होंने असाइनमेंट मुझे बना के भेज दी, अच्छी बात है, थैंक यू. सर क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस में क्या फर्क, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर एफ ऑफ एस देता है सर. और नहीं ओए सर, पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए ना वहां पर लिखा होता है फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन. यस सर. अगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा भी आप इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के इंटीग्रेशन करने बैठ जाते हैं और इसकी इंटीग्रेशन नहीं होनी. इसकी इंटीग्रेशन क्यों नहीं होनी? क्योंकि जहां पर आपके पास थ्री फंक्शन है. यस सर. इंटीग्रेशन थ्री फंक्शन के बीच में नहीं होती.
इंटीग्रेशन सिर्फ टू फंक्शन के बीच में ही हो सकती है। अब यहाँ पर ई टी साइन तीनों डिफरेंट फंक्शन है, इनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन तो कभी नहीं कर सकता। मगर क्वेश्चन गिवन है अवेल्युएट, अब यहाँ पर आपने अपना दिमाग यूज करना है, दिमाग यूज ये करना भी आपकी लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी। अगर लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है तो मैं इस क्वेश्चन को लैपलेस की ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आपको असाइनमेंट लिमिट थी जीरो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और आप इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी, और यहां से फिर सेम क्वेश्चन बन जाता है। अगर yes. आपके पास लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई ना, आपके पास इंटीग्रेशन में फंक्शन इवन हो या ऑड हो, आप उसको टू टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो फिर उसके बाद ये लैपलेस की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो जीरो से इन्फिनिटी जो है ना इंटीग्रेशन, ये हिंट करती है भी आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है या बन सकता है। देखें कैसे, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी टी स्क्वायर साइन टी, मैंने इसको वैल्यूएट करना है, मगर मैं इसको वैल्यूएट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर तीन अलग अलग फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लैपलेस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, मगर लैपलेस की फॉर्म में यहाँ पर ई रेज पर माइनस एस टी होना चाहिए, टी स्क्वायर साइन टी वेयर एस इक्वल टू वन। जब भी आपने कभी भी किसी भी इंटीग्रल को इन टर्म ऑफ लैपलेस कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपने एस की इंट्रोडक्शन देनी है ई के साथ, और एस की वैल्यू साथ में बता देनी भी एस की वैल्यू क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू वन। इसके बाद ये बन गई आपके पास लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर साइन टी, इसको नंबर वन दे दें, वेयर एस इक्वल टू वन। अब आप क्या करें, आपके पास जो इंटेग्रल थी उसको आपने लैपलेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप इस फंक्शन की लैपलेस फाइंड आउट कर लें। नाउ लैपलेस ऑफ साइन टी, दिस इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एफ एस, देयरफॉर बाय बाई मल्टीप्लीकेशन रूल लैपलेस ऑफ टी स्क्वेयर साइन टी, दिस इज माइनस वन रेज पावर टू डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, दिस इक्वल टू वन। आप टू ऑर्डर डिफरेंशियल नहीं फाइंड आउट कर सकते एक बार में, तो दिस इज वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन। This is, जब आप इसकी डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा माइनस वन, और साथ में आ जाएगा टू एस। यहाँ पर आपने डायरेक्टली डिफरेंशियल कर लेनी है, मैंने आपको बताया हुआ है भी जब भी कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में बड़ा हो जो उसकी होल पावर है उसकी माइनस आप ऊपर लगा दें, नीचे एक पावर इंक्रीज कर दें, और साथ में ब्रैकेट की डिफरेंशियल लिख दें। नाउ दिस इज माइनस टू अपॉन एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर, ठीक है जी। अब आप इसकी डिफरेंशियल कर दें, दिस इज माइनस टू यू अपॉन वी लगेगा यहां पर, नीचे आ जाएगा एस स्क्वेयर प्लस वन होल पावर फोर, जहां पर आ जाएगा वी डिफरेंशियल ऑफ यू माइनस यू डिफरेंशियल ऑफ वी। पहले पावर की करेंगे फिर ब्रैकेट की करेंगे, और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर साइन टी आपके पास आ जाएगा माइनस टू एस स्क्वायर प्लस वन को कॉमन निकाल लें, नीचे बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एस इंटू टू एस इंटू फोर एस, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन होल पावर फोर। सर ऊपर से बोर्ड विजिबल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चला गया थोड़ा सा, दोबारा लिखना पड़ेगा। दिस इज माइनस टू, मैंने आपको बोला था भी एस स्क्वायर प्लस, हाँ जी एस स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन होल पावर फोर।
वन पावर कैंसिल होगी आपके पास, तो आपके पास बचा सॉरी 4s square, दिस इज माइनस 2 1 माइनस 3 एस स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, आप वापस आ जाओ 1 में, फ्रॉम 1 0 टू इन्फिनिटी जब आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे वापस 1 में आना है, टी स्क्वेयर साइन टी डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस 3 एस स्क्वेयर अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब वेयर एस इज इक्वल टू 1, और आप एस की वैल्यू फिल कर दें यहां पर माइनस 2 1 माइनस 3 0 चलेगा 1 प्लस 1 होल क्यूब यस सर माइनस 2 माइनस 2 2 क्यूब 8 4 बाय 8 दिस इज 1 बाय 2 यस सर। तो लैपलेस जो इंटीग्रल आप कभी सोच ही नहीं सकते भी मैं इसको फाइंड आउट कर लूं, आपने उसी को फाइंड आउट कर लिया। जब मैंने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग करवाई थी मैंने आपको बोला था भी मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा भी हम क्यों लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते हैं। आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते हैं इस टाइप की इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। अगर मेरे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ना होती तो मैं इस इंटीग्रल को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकता था। यस सर ठीक है जी, दिस इज द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। सर मतलब कि सानू f ऑफ s ही दिता है ना, सिर्फ s दी वैल्यू है, हमने उसको कन्वर्ट f ऑफ s दिया नहीं था, हमने हमें एक फंक्शन गिवन था जिसको हमने कन्वर्ट करना था उसकी लैपलेस की फॉर्म में। यस सर ठीक है, चलो नोट कर लें फिर आगे एक दो पोल करते हैं। इसके साथ ही आपका टॉपिक खत्म होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा आपने उनको सॉल्व कर लेना, और जो मैं नेक्स्ट टॉपिक मैंने करवाना है ना वो तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास नोट्स हो। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वो पीडीएफ के नोट्स आपने डाउनलोड करवा लेने ठीक है जी, क्योंकि उसमें होती हैं स्टेटमेंट्स, वो तो ज़्यादा स्टेटमेंट तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, तो स्टेटमेंट आपके सामने होगी आपने साथ में रीड करनी है उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हाँ जी आफ्ताब जी, आफ्ताब सर इसमें लास्ट में फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं करेंगे? हाँ जी लास्ट में फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं करेंगे इसमें? नहीं बेटा इसमें नहीं ना करनी हमने फर्स्ट शिफ्टिंग, इसमें तो हमने ई की हेल्प के साथ पहले इसको लैपलेस की ट्रांसफॉर्मेशन में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आप स्टार्टिंग में देखें अगर यहाँ पर ई ना होती ना तो पहले मैंने ई पावर जीरो माइनस जीरो टी लिख के इसको इंट्रोड्यूस करवाना था। याद रखें जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल हो तो उसको आपने लैपलेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट शिफ्टिंग हम तब अप्लाई करते हैं बेटा अगर आपके पास पहले ही लैपलेस हो। अगर यहाँ पर होता ना जीरो से इन्फिनिटी की इंटीग्रल की जगह पर मुझे लिखा होता लैपलेस ऑफ फाइंड लैपलेस ऑफ ई रेज पर माइनस टी टी स्क्वायर साइन टी तब मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग अप्लाई करना था, क्योंकि फिर तो पहले ही मुझे लैपलेस दी थी। अब मुझे लैपलेस तो दी नहीं थी, लैपलेस की फॉर्म में तो मैंने खुद इसको कन्वर्ट किया है। और याद रखें अगर आपको ऐसे इंटीग्रल गिवन हो जीरो से इन्फिनिटी और ई ना गिवन हो तो आपने ई को खुद इंट्रोड्यूस करना है ई पार माइनस जीरो टी लिख के, वहां पर एस की वैल्यू फिर होगी जीरो। आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो किया, आपको यहाँ पर डिविजन रूल भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता था साइन टी बाई टी, टी स्क्वायर की बजाय साइन टी बाई टी लिखा होता, फिर मैंने डिवीजन रूल फॉलो करना था। ये जितने भी लैपलेस के क्वेश्चन है ना ये आपस में ही मिक्स हैं, कहीं में डिवीजन आ जाती है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, कहीं पर फर्स्ट शिफ्टिंग, कहीं पर खुद इनकी आपस में ब्रेकिंग आ सकती है। अगर आएंगे आपको ई कॉस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एंड टी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आना। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। तो नेक्स्ट पोल सेंड करने जा रहा हूँ आपको, तो जब भी आप पोल के आंसर करते हैं ना बिल्कुल राइट ऑप्शन दें, क्योंकि तो मैंने आपको बार बार बोला है भी कल को इंटरनल पता नहीं कैसे बनती है, तो उसमें से आपको ये भी पूछा जा सकता है भी आप जो पोल के रिजल्ट थे उसके बेस पर इंटरनल बनाओ, तो सही ऑप्शन दिया करो। अब भी फिर भी गलत ऑप्शन तो देनी देनी, टू स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दे दिया है, जल्दी करें हरी अप।